आईपीएल में अब तक 39 मैच हो चुके हैं। आखिरी चार में पहुंचने के लिए टीम के बीच जोरदार जंग जारी है। बुधवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की जीत ने चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए थोड़ी सी उम्मीदें जगा दी है। इसके अलावा विराट की टीम की जीत ने किंग्स इलेवन पंजाब, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तानों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है। आखिर अब कैसे दिलचस्प हो गई है प्लेऑफ की ये रेस, आइए आपको हम सही से समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और मुंबई इंडियंस का प्लेऑफ में पहुंचना लगभग तय लग रहा है। दिल्ली और बेंगलोर के खाते में 14-14 अंक है, जबकि मुंबई के पास फिलहाल 12 अंक है। मुंबई ने अभी सिर्फ 9 मैच खेले हैं, मुंबई को अभी 5 मैच और खेलने हैं। ऐसे में ये तीनों टीम कम से कम 2 से 3 मैच जीतकर प्लेऑफ में स्थान पक्का कर सकती है। वहीं आपको बता दें, कोलकाता नाइट राइडर्स को भी 4 मैच और खेलने हैं। फिलहाल केकेआर के खाते में 10 अंक है, लेकिन बेंगलोर के हाथों करारी हार के बाद केकेआर का नेट रन रेट माइनस में पहुंच गया है। ऐसे में केकेआर को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बाकी बचे मैच जीतने होंगे। वहीं लगातार 5 मैचों में हार के बाद किंग्स इलेवन पंजाब ने टूर्नामेंट में जोरदार वापसी की है। अब केएल राहुल की टीम को पिछले 3 मैचों में लगातार जीत मिली है। ऐसे में बाकी बचे 4 और मैच जीतकर ये टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। वहीं आपको बता दें, 10 मैचों में से 8 अंकों के साथ राजस्थान की टीम छठे पायदान पर है। 9 मैचों में से 6 हार के बाद हैदराबाद की टीम 7वें नंबर पर है। हैदराबाद के खाते में 6 अंक है, इन दोनों को भी बाकी बचे सारे मैच जीतने होंगे। वहीं बात करें अब चेन्नई सुपर किंग की, तो अब कोई चमत्कारी धोनी की टीम को प्लेऑफ में पहुंचा सकता है। धोनी की टीम इस बार आखिरी पायदान पर है। चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो चुकी है। सीएसके के खाते में फिलहाल 6 अंक है। धोनी की टीम बाकी बचे 4 मैच जीत ले और दूसरी टीम में लगातार हारे तो फिर कुछ उम्मीदें बन सकती हैं। खैर, आपको क्या लगता है, क्या महेंद्र सिंह धोनी की टीम प्लेऑफ में पहुंच सकती है, तो हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूले। LD News रोम की रिपोर्ट।